हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया मैथ के सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको यही नहीं समझ में आता है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये सवाल जो है आपका है कि 2 + 2 का आधा, इसमें आपको 2 + 2 का आधा बताना है। तो देखिए, किसी किसी का जो आंसर है वो आपका आंसर आ जाता है 2 और किसी किसी का आंसर आ जाता है 3। तो अब आपको इसमें ये पता करना है कि 2 आंसर सही है या 3 आंसर सही है, क्योंकि आंसर तो इसमें 1 सही होगा और 1 गलत होगा। तो बहुत लोगों का 2 आता है, बहुत लोगों का 3 आता है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। अब देखिए, लोग इसमें गलत क्या करते हैं। तो लिखा है सवाल 2 + 2 का आधा, तो सब लोग क्या करते हैं कि 2 + 2, तो पहले 2 + 2 को जोड़ लो, तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब इसका आपको क्या करना है, आधा, मतलब 2 + 2 करें उसके बाद उसका आधा करें। तो देखिए, 2 + 2 4 और इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों का जो आंसर आता है ये, तो ये गलत आंसर होता है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है और इसका सही आंसर क्या होता है। तो देखो, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले बोर्ड मास का रूल आना चाहिए। तो समझो, बोर्ड मास का रूल होता क्या है। तो देखो, बोर्ड मास, BODMAS, ये होती है स्पेलिंग। अब इसमें हर एक अक्षर का इसका मतलब होता है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब की कोष्ठक। आप सभी लोग जानते हैं 3 कोष्ठक होते हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये मझला वाला ब्रैकेट और एक होता है ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। तो आपको अगर कहीं ब्रैकेट मिलेगा तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसके बाद ऑफ का मतलब, ओ का मतलब होता है ऑफ, इसको हिंदी में कहते हैं का। ठीक है, इसके बाद डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवीजन, मतलब कि भाग। तो इसका चिन्ह क्या होता है, एक ऐसा भी चिन्ह इसका हो सकता है, इसका ऐसा भी चिन्ह हो सकता है और इसका ऐसा भी चिन्ह हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मल्टीप्लाई पे। ये देखिए, मल्टीप्लाई क्या होता है, तो मल्टीप्लाई आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, ए से क्या होता है, ए से एडिशन, मतलब कि जोड़। और एस से क्या होता है, एस से होता है सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाना। ठीक है, तो हम बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, बोर्ड मास का रूल क्या होता है कि इसमें जैसे सीरियल से लिखा है तो इसी प्रकार आपको इसमें सॉल्व करना होता है। मतलब अगर पहले आपको सवाल देखना है, उसमें अगर पहले कहीं ब्रैकेट है तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर कहीं ओ मतलब कि ऑफ है तो आप सबसे पहले ऑफ लिखा होगा या हिंदी में का लिखा होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड का चिन्ह अगर दिखेगा तो डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, अब ये सवाल एक बार हम और लिख लेते हैं। तो क्या है, 2 + 2 का आधा। ठीक है, 2 + 2 का आधा। अब देखिए, इसमें आपको करना क्या है कि यहां पर देखिए का आपको मिल गया है। का मतलब अभी मैंने बताया, अगर आपको कहीं का मिलेगा तो पहले आप का सॉल्व करेंगे, मतलब ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है का, तो यहाँ देखिए का आपको मिल गया तो अब पहले आप का को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2 + 2 है, इसको ऐसा ही लिख दीजिए, तो 2 + 2 और का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। हमेशा याद रखिए, जो का मतलब होता है इसका भी मतलब होता है गुणा। कहीं का या ऑफ लिखा है तो उसको आप गुणे में बदलेंगे। ठीक है, और आधा मतलब आप सभी लोग जानते हैं, आधा मतलब क्या होता है, हाफ, मतलब कि 1/2, 1/2। तो अब ये देखिए, ये आपका बन गया। अब इसके बाद क्या हो गया, का को आपको सॉल्व करना है, का मतलब गुणा। अब ये देखिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अब इस का को सॉल्व करेंगे, तो 2 × 1/2, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये देखिए, 2 से ये 2 कट जाएगा, गुणा हो रहा है ना, तो कट जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर भी 1 आया, बटे में 1 है तो इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ऊपर गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर तो 2 है तो 2 लिख दीजिए, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 = 1, तो अब आपका क्या आ गया, 2 + 1। तो अब इसके बाद देखिए, ऑफ के बाद क्या आता है, डिवाइड। तो यहाँ कहीं आपको देखिए डिवाइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। इसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दिख रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद एडिशन दिख रहा है, ये देखिए एडिशन का तो है, तो एडिशन दिख रहा है तो पहले एडिशन को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 और 1 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो ये जो 3 आया ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको बोर्ड मास के रूल के हिसाब से जब करेंगे तो आपका ये 3 आएगा। ठीक है, तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से आपको ये करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसे जो सवाल होंगे उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आई होप आप अब ऐसे सवालों में कंफ्यूज नहीं हुआ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी आपको वीडियोस मिलती रहती हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।